तो अभी चल रहा फोटो शूट यहाँ पे। गाइज अभी मैं आ गया हूँ घर पे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रिलैक्स होकर कपड़े वगैरह चेंज करके लेटा हुआ हूँ अपने रूम में और करने जा रहा हूँ एडिटिंग, बिकॉज यार एडिटिंग भी जरूरी है यार, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, सो करना पड़ेगी एडिटिंग यार, जरूरी है। तो बस अभी मतलब अभी वरमाला वगैरह हो चुकी है जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया, अब होंगे फेरे, तो अभी लगभग एक घंटा तो आराम से लगेगी ऑलमोस्ट, तो एक घंटे में तब तक थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा बहुत रिलैक्स करने आया हूँ, बिकॉज जो शादी वाले फॉर्मल शूज़ होते हैं ना भाई, उसमें पैर इतना तेज दर्द कर जाता है जो छोटी वाली उंगली होती है पैर की, तो इसी वजह से मैंने आराम से रिलैक्स वगैरह होकर अपने घर के क्लोज में बैठा हुआ हूँ। सो फिर जल्दी से एडिटिंग करके फिर जाते हैं बाहर, फेरे वगैरह होंगे तो ज़रूर देखना और बने रहो वीडियो में, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सो ये मैंने कोट पेंट वगैरह नहीं डाला है, शर्ट वगैरह डाली है और जैकेट वगैरह नॉर्मल ऐसी डाल ली है। तो बस मैं अभी चल रहा हूँ बाहर, फेरे की तैयारी चल रही है, मतलब जो भी उससे पहले होता है फोटोशूट वगैरह और भी सारी चीज़ें, रस्म वगैरह जो भी होती है, तो वो चल के दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में फेरे वगैरह भी होंगे। ये फोटो शूट वगैरह चल रहा है, इधर भी माधुरी दीदी बैठी हुई हैं और पीछे बैठी है माधुरी दीदी की मम्मी। फेरों के वेट में सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अभी इस वक्त, सभी लोग बैठे हुए हैं बेचारे, सभी लोग ऐसे ही लेट गए हैं यहीं पर ही, सभी को नींद आ रही है, ये तो सो भी गए शायद। और यहाँ हाथ तापे जा रहे हैं, ठंड बढ़ गई है ना। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह का 6 और मैं, मेरे को एडिटिंग करते करते ना मेरी झपकी लग गई थी, मुझे लगा मैं 10 मिनट में उठ जाऊंगा, बट लेकिन मैं सो गया एक घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे से ऊपर ही सो गया। तो बस अब तुरंत उठा हूँ, मैंने ब्रश वगैरह किया और बस तुरंत चलता हूँ बाहर, देखता हूँ कि फेरे वगैरह हो गए कि नहीं, वरना मिस हुए होंगे तो कुछ नहीं कर सकते, वरना शायद अभी नहीं हुए हैं, बट फिलहाल जल्दी चलते हैं और देखते हैं कि फेरे हुए कि नहीं। अब भाई मुझे हो गया था लेट आने में, तो फेरे वगैरह हो गए हैं और मिस कर दिया, बट अब क्या किया जा सकता है। तो बस विदाई होने जा रही है, तो सब लोग गाड़ी वगैरह तैयार है, दूल्हा यहाँ से चला जाएगा, तो जो भी रस्म वगैरह है वो भी चल रही हैं विदाई वाली। गाइज विदाई हो चुकी है, दूल्हा जा चुका है एंड अब मैं आ गया हूँ मॉर्निंग वॉक पे, थोड़ा सा सुबह उठ ही गया था तो सोचा थोड़ा वॉक कर लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम, मतलब सुबह का काफ़ी ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है ना एकदम, तो ऊपर से सामने जो सनराइज है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये देखो सामने कितना अच्छा लग रहा है। सो मैं लेता हूँ सुबह के इस बढ़िया से नज़ारे का आनंद और करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड। शादी का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, सारी चीज़ें इससे पहले संगीत वगैरह मेहंदी वगैरह नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पे नहीं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बिना देखे मत जाना ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना तो कतई मत भूलना, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप पे जाता नहीं है, सब्सक्राइब कर देते हो
और फिर मैं न्यू वीडियोस डालते रहूँ पता ही नहीं चलता है, तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एडियोस।